मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता, बिहार स्टेट म्यूजिक क्लास में मित्रों आज आपको स्वागत है। यदि आप स्टेट या बीपीएससी की तैयारी मित्रों कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन म्यूजिक के क्लास सुबह 8 बजे और रात्रि न्यूज चैनल पर 8 बजे मित्रों क्लास चलाए जाते हैं। और प्रतिदिन मित्रों 50 प्रश्नों का संग्रह हम लेकर के आते हैं। सभी प्रश्नों को मित्रों डीपली डिस्कशन हम लेकर के चलते हैं। अतः यदि आप स्टेट या बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन जरूर करें। और बिना समय गवाए हुए मित्रों, प्रथम प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। और मेरा उद्देश्य रहता है कि एक प्रश्न के माध्यम से 4-5 प्रश्नों का आंसर आपको दे दें, ताकि आराम से आपको एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न पकड़े जाएंगे। तो मित्रों, पहला प्रश्न है कि अल्लाह रा खां खां किनके पिता थे। कहने का मतलब है कि अल्लाह रा खां खां किनके पिता थे, अर्थात अल्लाह रा खां खां के पुत्र कौन थे। तो मित्रों, इसका आंसर आपको हो जाएगा जाकिर हुसैन साहब। क्या है? जाकिर हुसैन साहब। मित्रों, अब हम लोग इनके व्याख्या पर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्लाह रा खां खां जो है पंजाब घराने से संबंधित हैं। अल्लाह रा खां खां तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं मित्रों। और अल्लाह रखा खां के पुत्र कौन है? तो जाकिर हुसैन साहब हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब भी जो है तबला वादा किए हैं। व्याख्या मित्रों, अल्लाह रखा खां जाकिर हुसैन के पिता थे, जो कि उच्च कोटि के अष्टपदी ख्याति प्राप्त तबला वादक थे। आपका जन्म पंजाब में हुआ था। आपने पंजाब घराने को विकास पथ की ओर अग्रसर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि पहले किसका जन्म हुआ, मतलब इनमें से सबसे पहले किसका जन्म हुआ, छोटा ख्याल का या बड़ा ख्याल का। तो मित्रों, सबसे पहले जो आपको जन्म हुआ है, आपको छोटा ख्याल का जन्म हुआ। कौन सा ख्याल का? छोटा ख्याल का। ये DSSB का जो एग्जाम हुआ था मित्रों, उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले छोटा ख्याल का जन्म कैसे हुआ, तिथि के अनुसार ही हम लोग को पता चलेगा। तो मित्रों, व्याख्या है 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने छोटे ख्याल का आविष्कार किया था। आप पूछ सकता है एग्जाम में कि छोटा ख्याल का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो साहब किए। छोटा ख्याल का आविष्कार कब हुआ? तो 14वीं शताब्दी में हुआ। और 15वीं शताब्दी में सुल्तानपुर के हुसैन सरकी ने बड़े ख्याल का आविष्कार किया था। अर्थात बड़ा ख्याल का आविष्कार कब हुआ मित्रों? तो 15वीं शताब्दी में। और बड़ा ख्याल का आविष्कार किसने किया? तो सुल्तानपुर के शासन कौन था? हुसैन सरकी। मतलब बड़ा ख्याल का जो है निर्माता कौन है? हुसैन सरकी। ठीक है मित्रों, इस कारण पहले छोटा ख्याल आया, ठीक है, और बाद में बड़ा ख्याल आया। मतलब छोटा ख्याल 14वीं शताब्दी में और बड़ा ख्याल 15वीं शताब्दी में। छोटा ख्याल के जन्मदाता हो गए अमीर खुसरू, और बड़ा ख्याल के जन्मदाता कौन हो गए? हुसैन शाह सरकी। अगला प्रश्न मित्रों, ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? ताल दीपचंदी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? तो मित्रों, इसका आंसर आपको हो जाएगा ठुमरी के साथ बजाई जाती है। ताल दीपचंदी किसके साथ बजाई जाती है? ठुमरी के साथ मित्रों बजाई जाती है। व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। ताल दीपचंदी मुख्यतः ठुमरी गायकी के साथ बजाई जाती है। यह श्रृंगार रस प्रधान गायक शैली है, जो उपशास्त्रीय शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ठुमरी के सब सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो गिरजा देवी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है? टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है? तो मित्रों, इसका आंसर आपको हो जाएगा पंजाबी। ठीक है, डॉग। अब हम लोग चलेंगे टप्पा के बारे में। सबसे पहले जानेंगे तो टप्पा गायकी का जो आविष्कारक थे आपको गुलाम नबी सौरी साहब थे। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान देंगे। टप्पा गायन शैली का जन्म पंजाब में हुआ था। इसके साथ अगर देखा जाए तो टप्पा ताल बजाई जाती है, लेकिन पंजाबी ताल भी बजाई जा सकती है। तो टप्पा ताल नहीं रहने के कारण यहाँ पर हम क्या टिक आउट किए? पंजाबी ताल। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है भारत खंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि भारत खंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मित्रों, जिस
प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि जो आप लिख दीजिएगा वो आपको 100% याद हो जाएगा, इसीलिए आप लिख करके पढ़ा कीजिए। तो व्याख्या पर से पहले मित्रों जानेंगे कि भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो मित्रों लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। सी नंबर इसका आंसर सही है। व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों, भारत खंड विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी ने की थी। इस विश्वविद्यालय में संगीत की 3 विद्याओं की शिक्षा दी जाती है, ताल का और परिचय का, ठीक है, और जैसे एक और है इसमें नहीं दिया हुआ, आपको बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि ग रे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाता है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, आप कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों बिलावल राग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बिलावल राग को। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, ग रे ग प ध नि सा स्वर समूह बिलावल राग को दर्शाता है। इस राग के सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। यह राग बिलावल थाट का आश्रय राग है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। पूछ सकता है कि बिलावल राग की जाति क्या है? तो संपूर्ण मानी जाती है। यमन खमाज शुद्ध कल्याण राग के सभी शुद्ध स्वर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न मित्रवर, ध नि रे सा किस राग का अंश है? ध नि रे सा किस राग का अंश है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा दरबारी का। किसका? दरबारी राग का। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों, ध नि रे सा स्वर समूह दरबारी राग का अंश है। इस राग का आविष्कार तानसेन जी ने किया था। असावरी राग के आरोह में नी का प्रयोग नहीं होता है। अंडाना राग में ध नि रे सा लेते समय नी शुद्ध होता है। जौनपुरी राग में मुख्य स्वर समूह म प नि ध प ध म ग रे रे म प स्वर होता है, इसलिए यह स्वर समूह दरबारी राग है। अगला प्रश्न मित्रवर, राग अंडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, राग अंडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा तार सप्तक में। किसमें? तार सप्तक में। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक राग का अपना चलन होता है। कुछ राग मंद्र सप्तक में, कुछ मध्य सप्तक में, और राग अंडाना मुख्यतः तार सप्तक में ज्यादा निखरता है। अगला प्रश्न मित्रों, राग दरबारी कब गाया जाता है? राग दरबारी कब गाया जाता है? तो मित्रों राग दरबारी जो है रात्रि में गाया जाता है। कब गाया जाता है? रात्रि में। व्याख्या प्रदान दीजिए मित्रों, राग दरबारी रेवादी उप संवादी माना जाता है, ठीक है। पूछ सकता है कि राग दरबारी का वादी स्वर क्या है? तो रे, ठीक है, और संवादी स्वर क्या है? तो प है। इस राग का गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। प्रहर कितने होते हैं मित्रों? 8 प्रहर होते हैं। तो राग दरबारी को कब गाया जाता है? तो रात्रि में। यदि एक्यूरेट पूछेगा तो रात्रि के दूसरे प्रहर में, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? मतलब पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन थे, ये भी पूछ सकता है। तो मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उसको कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। बोल, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। आपका जन्म गुजरात में 24 जून 1897 ईस्वी को हुआ था। अब पूछ सकता है मित्रों कि पंडित ओमकार नाथ साहब का जन्म कब हुआ? तो 1897 ईस्वी में। किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं? बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य हैं? तो मित्रों आंसर हो जाएगा विनायक राव पटवर्धन का। विनायक राव पटवर्धन का। व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों, बलवंत राय भट्ट विनायक राय पटवर्धन के शिष्य हैं।
ठीक है। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो तैयार किया जाता है, अतः वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिल सके। तो मित्रों प्रश्न आपका है, राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है, अर्थात राग विज्ञान को किसने लिखा है या राग विज्ञान के लेखक कौन है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित विनायक राव पटवर्धन, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, राग विज्ञान के लेखक पंडित विनायक राव पटवर्धन जी हैं। आपको 1972 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया, पूछ सकता है एग्जाम में पंडित विनायक राव पटवर्धन को पद्म विभूषण कब मिला था, तो 1972 ईस्वी में, ठीक है। और राग विज्ञान के लेखक कौन है, तो पंडित विनायक राव पटवर्धन साहब। अगला प्रश्न मित्रों, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितने होती है, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल 7 होता है, 7 होता है, ठीक है, कितना होता है, 7 होता है, व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों हम लोग। कर्नाटक पद्धति में मुख्य 7 ताल होती है, ध्रुव, मठ, रूपक, झम, त्रिपुट, अठ। एक प्रत्येक जाति में लघु का मान परिवर्तन होने से जाति भेद के अनुसार 7 × 5 मतलब 7 ताल और 5, ठीक है, 7 × 5 = 35 है, 35 ताले गति भेद के द्वारा 35 × 5 = 175 तालों का निर्माण होता है, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है, स रे ग रे ग रे स किस राग का अंश है, ठीक है मित्रों। प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन इसलिए आपको डाल देते हैं ताकि आप डिटेल्स में उसको जान सकें। तो स रे ग और रे ग रे स किस राग का अंश है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा, तो इसका आंसर है मित्रों तोड़ी, क्या है, तोड़ी मतलब बॉल, व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मुल्तानी राग के आरोह में रे नहीं लगता है, ठीक है। भैरवी राग का वादी म होता है, इस बोल समूह में म का प्रयोग नहीं है, अतः यह बोल समूह भैरवी राग का नहीं है। असावरी राग में रे स्वर शुद्ध होता है, इसलिए यह स्वर असावरी राग का नहीं है, अतः यह स्वर समूह तोड़ी राग का है, कौन सा राग का है, तोड़ी राग का है। अगला प्रश्न मित्र कि 4 ताल किस गायकी की ताल है, 4 ताल किस गायकी की ताल है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ध्रुपद गायकी की ताल है, कौन गायकी की, ध्रुपद गायकी की ताल है मित्रों। 4 ताल किस गायकी की ताल है, तो ध्रुपद गायकी के, व्याख्या प्रधान दीजिए, ध्रुपद वीर रस प्रधान गायन शैली है, उसी के आधार पर 4 ताल के ठेके की रचना हुई है जो कि संगत में ध्रुपद गायकी को इस पूर्ण बनाता है, इसे क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। अगला प्रश्न मित्रों, टप्पा किस घराने की विशेषता है, अभी कुछ देर पहले मित्रों आपको बताया है, आपको आंसर जरूर याद होना चाहिए, टप्पा किस घराने की विशेषता है, तो मित्रों टप्पा जो है बनारस घराने की विशेषता है, और यदि मित्रों पंजाब घराना रहता तो पंजाब घराना टिकोर करते, ठीक है। टप्पा का सबसे अधिक प्रयोग जैसे बनारस घराने में होता है, उसके बाद पंजाब घराने में होता है, उसके बाद बनारस घराने में होता है, तो पंजाब घराने न रहने के कारण हम लोग क्या टिकट करेंगे, बनारस घराना, व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। टप्पा बनारस घराने की विशेषता है, ख्याली गायकी के बाद टप्पा गायकी का प्रचार हुआ, ठीक है। टप्पा गायकी का आविष्कार मियां सौरी ने किया था, इनका पूरा नाम था गुलाम नबी मियां सौरी। अगला प्रश्न मित्रवर, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है, मतलब जो ठुमरी एक प्रकार का नृत्य है, तो सबसे अधिक जैसे कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है मित्रों, तो बनारस की, कहाँ का, बनारस का ठुमरी जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध है, व्याख्या पर ध्यान देंगे, बनारस घराने की ठुमरी प्रसिद्ध है। ठुमरी चंचल प्रकृति की गायन शैली है, इसके साथ मुख्यतः दीपचंदी जब ताल बजता है। वर्तमान समय में शोभा गुटू, सविता देवी, गिरजा देवी,
व्यास आदि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है। मतलब पूछ सकता है कि सविता देवी का संबंध किस नृत्य से है, ठुमरी से है, गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो ठुमरी से है। ठीक है, कि दोनों जो है से बहुत ही प्रचलित ठुमरी नृत्यांगना है। अगला प्रश्न मित्रों, सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए अभी तुरंत आ ही गया, वहां डिस्क्रिप्शन में मित्रों दिए थे, यहाँ क्वेश्चन आ भी गया है कि सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों आंसर आप फट से कमेंट्स में दिया कीजिए कि सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ठुमरी के लिए, किसके लिए, ठुमरी के लिए। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर, व्याख्या पर ध्यान दीजिए, सविता देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न मित्रों कि सिया राम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? मतलब सिया राम तिवारी का संबंध किस गायकी से है, ध्रुपद से है कि ख्याल से है कि ठुमरी से है कि टप्पा से है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद से, किस हो जाएगा, ध्रुपद से। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों, सिया राम तिवारी ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायकी का आविष्कार 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने किया था। पूछ सकता है कि ध्रुपद गायकी का आविष्कार किसने किया, तो राजा मानसिंह तोमर। ग्वालियर जो है ध्रुपद के आविष्कार कब हुआ, तो 15वीं शताब्दी में। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर कहाँ के शासक थे, तो ग्वालियर के शासक थे। आगे पढ़ेंगे हम लोग, ध्रुपद एक गंभीर और जोरदार गाना माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंडित बलवंत राय भट्ट, पंडित बलवंत राय भट्ट है। व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों हम लोग, व्याख्या इसका अति महत्वपूर्ण है कि ख्याति प्राप्त कलाकार जिन्होंने अपना जीवन संगीत के प्रति समर्पित किया है, उनके नाम के आगे कोई ऐसी उपाधि जोड़ दिया जाता है जो कि उनका संगीत के प्रति विशिष्टता या विशिष्ट शैली को दर्शाता हो। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है, प्रणव भारती के लेखक का नाम है, मतलब प्रणव भारती को किसने लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका लेखक भी हैं और इनके बारे में हम कुछ देर पहले आपको जिक्र भी कर चुके हैं कि प्रणव भारती के लेखक का नाम कौन है। तो जो इनका लेखक है बताइए क्या होगा, कि इसी क्लास में मित्रों हम इनके नाम हम घोषित कर चुके हैं, बता चुके हैं इनके बारे में। तो प्रणव भारती के जो लेखक है मित्रों, उनका नाम है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम बता चुके थे कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। व्याख्या प्रदान देंगे, प्रणव भारती पुस्तक के लेखक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी हैं, आपके गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब हैं। मतलब पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु कौन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं। ओमकार नाथ ठाकुर जी की प्रमुख पुस्तकों में प्रणव भारती तथा संगीतांजलि विशेष उल्लेखनीय है। आप पूछ सकता है जामे मित्रों कि संगीतांजलि के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, या प्रणव भारती के लेखक कौन है, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। इस प्रकार मित्रों संपूर्ण म्यूजिक की किताब के बारे में यदि डिटेल्स रूप में आप जानना चाहते हैं, तो एक वीडियो हम बना दिए हैं, उस वीडियो का लिंक मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप जरूर उस क्लास को देख लीजिए। अगला प्रश्न मित्रों, कुल कितनी श्रुतियां हैं? यदि आप म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो कुल श्रुतियों की संख्या आपको जरूर याद होना चाहिए। कुल श्रुतियों की संख्या मित्रों कितना है, आप कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22, क्या हो जाएगा, 22। एक चीज आपको बताते चले कि 22 श्रुतियों का नाम हम एक क्लास में बता चुके हैं, अतः उस क्लास को देख करके आप जरूर याद कर लें। तो हम लोग व्याख्या पर ध्यान देंगे, असंख्यक नादों में 22 नाद को श्रुति की संज्ञा प्रदान की गई है। वर्तमान समय में भारत खंडे जी ने इन्हें 22 श्रुतियों में से 7 शुद्ध स्वर, 4 जो है कोमल स्वर और 1 विकृति स्वर को स्थापित किया है। अगला प्रश्न मित्रों, स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है मित्रों, ये भी प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्रों 2 का अंतर है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग, प्राचीन काल में सुस्वाद ऐसे 2 स्वर मानते थे
जिनकी परस्पर दूरी 9 या 13 श्रुति हो, और विषमवाद ऐसे दो स्वर को मानते थे जिनमें दो स्वरों के बीच दो श्रुति का अंतर हो। ठीक है मित्रों, प्रश्न मित्रों कि बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और एक चीज आपको जरूर बताएंगे मित्रों, यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में मित्रों पूरा दिन लगा दीजिए, आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? ख्याल गायकी के लिए। एक बार फिर से समझिएगा, बाला साहेब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो आंसर मित्रों हो जाएगा ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। व्याख्या पर ध्यान देंगे, बाला साहेब पूंछ वाले ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, ग्वालियर घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, नथन पीरबख्श इस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं। मतलब ग्वालियर घराने के जन्मदाता कौन है? तो नथन पीरबख्श साहब। अगला प्रश्न मित्रों कि त्यागराज भारत के किस भाग से थे? त्यागराज भारत के किस भाग से थे? तो मित्रों आप आंसर बताते चले कि त्यागराज जो संगीत की जो शिक्षा जो मित्रों ग्रहण किए थे वह दक्षिण भारत से किए थे। कौन भारत से किए थे? दक्षिण भारत से किए थे, इसलिए इनका संबंध भारत के दक्षिणी भाग से माना जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, त्यागराज का जन्म जो से कश्मीर में हुआ था, मतलब ऊपर उत्तर की ओर हुआ था, ठीक उत्तर भारत में, तथा आपने संगीत की शिक्षा दक्षिण से प्राप्त की थी और आप दक्षिण भारतीय संगीत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार भी थे। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे? प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो मित्रों बहुत बार हम बता चुके हैं कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे, तो मित्रों प्रारंभ में 3 ग्राम थे। कितने ग्राम थे? 3 ग्राम थे। हम लोग व्याख्या पर ध्यान देंगे, प्रारंभ में 3 ग्राम थे, षडज ग्राम पहला था, मध्यम ग्राम दूसरा था और तीसरा था गंधार ग्राम। भरत मुनि ने 2 ही ग्राम का वर्णन किया है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, तथा गंधार ग्राम को इन्होंने लोप कर दिया है। पूछ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार ग्राम कितने हैं? तो 2 हैं, और जैसे कौन कौन है? तो षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। गंधार ग्राम को क्या कर दिए हैं? विलुप्त कर दिए थे। अगला प्रश्न मित्रवर कि कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको बताते चलें, बॉल हो जाएगा मित्रों, कुल विकृति स्वर कितने हैं? तो 5 हैं। कुल विकृति स्वर कितने मित्रों? 5 हैं। व्याख्या पर ध्यान देंगे, विकृति स्वर वे होते हैं जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर गाया बजाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? विकृति स्वर कहते हैं। विकृति स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं कोमल स्वर, दूसरा को बोलते हैं तीव्र स्वर। ठीक है, तो कोमल स्वर मित्रों कुल 4 हैं और तीव्र स्वर कुल कितने? 1 हैं। तो 4 + 1 दोनों मिलकर क्या बन गया? विकृति स्वर। तो विकृति स्वर की संख्या कुल कितना हो गया मित्रों? 5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसका हम डिटेल्स में जाने। और यदि आप मित्रों पीडीएफ चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर मित्रों आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है, मतलब कौन सा ऐसा राग है जिसमें सभी के सभी जो है शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा खमाज। क्या हो जाएगा? खमाज नहीं, सॉरी, इसका बिलावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? बिलावल। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि यमन राग में तीव्र में का प्रयोग होता है, खमाज राग के आरोह में रे का प्रयोग नहीं होता है, विलावल राग में सभी शुद्ध स्वर का प्रयोग होता है। यहाँ पर पूछा ही था कि सभी शुद्ध स्वर का शुद्ध स्वर से निर्मित राग है तो विलावल है, सी नंबर। ठीक है मित्रों, यहाँ भी आपको क्लियर कर दिए विलावल। अगला प्रश्न मित्रों कि राग यमन का संवादी स्वर है, मतलब राग यमन का मित्रों संवादी स्वर इनमें से कौन है? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों राग यमन का ग जो है से वादी स्वर है और नी क्या है? संवादी स्वर। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? डी।
ठीक है, राग यमन का संवादी स्वर क्या हो जाएगा, तो नी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यह कल्याण थाट का राग है। जाति इसकी क्या है, तो साडव साडव है, और गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। पूछ सकता है मित्रों एग्जाम में कि राग यमन कब गाया जाता है, तो रात्रि का प्रथम प्रहर में। ठीक है, और राग यमन की जाति क्या है, तो साडव साडव इसको जाति मानी जाती है, और राग यमन की थाट क्या है, तो कल्याण थाट है। अगला प्रश्न मित्रों, अमजद अली किस वाद्य को बजाते थे, मतलब अमजद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अमजद अली का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, अमजद अली एक सरोद वादक है। क्या है, सरोद वादक है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, अमजद अली खास सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे, या फिर पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, सी नंबर। या फिर पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। व्याख्या प्रदान दीजिए, पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। पंडित रविशंकर ने केवल भारत के अपितु अंतरराष्ट्रीय जगत के शीर्ष सितार वादक हैं। ठीक है मित्रों, आपसे पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, तो सितार बजाते हैं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है, सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है। सितार में बाज का तार जो है किस स्वर में मिलाया जाता है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मंद्र मध्यम में, मंद्र मध्यम में। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, सितार में बाज का तार मंद्र मध्यम स्वर में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है, मतलब गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है, तो इसका आंसर आपको मित्रों हो जाएगा गत। क्या हो जाएगा, गत, डी नंबर। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार गायन में ख्याल शैली का महत्व है, उसी प्रकार वादन में गत होता है। ठीक है, ख्याल दो प्रकार के होते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि ख्याल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं छोटा ख्याल, दूसरा को बोलते हैं बड़ा ख्याल। छोटा ख्याल का निर्माण कब हुआ था, तो 14वीं शताब्दी में, और बड़ा ख्याल का निर्माण कब हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में। छोटा ख्याल के जन्मदाता कौन थे, निर्माता कौन थे, तो अमीर खुसरो साहब, और बड़ा ख्याल के जन्मदाता कौन थे मित्रों, तो हुसैन शाह सरकी। उसी प्रकार तंत्रवाद में मसीद खानी गत एवं जफरानी गत बजाई जाती है, इस प्रकार ख्याल में गायन का पर्याय गत है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे, पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं। इस प्रश्न का आंसर मित्रों फटाफट कमेंट्स में दिया कीजिए कि पन्ना लाल घोष क्या बजाते हैं, तो मित्रों पन्ना लाल घोष एक बांसुरी वादक है। क्या है, बांसुरी वादक है एप्पल। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, पन्ना लाल घोष एक बांसुरी बजाते थे। बांसुरी एक सुशीर वाद्य है, बांसुरी कौन सा वाद्य है, सुशीर वाद्य है मित्रों। सभी वाद्य का यदि जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसी वीडियो के मित्रों डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, वाद्य यंत्र से रिलेटेड मित्रों डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, अतः उस क्लास को जरूर आप ज्वाइन करके देख लें। अगला प्रश्न मित्रों, किस ताल की सम पर खाली होती है, किस ताल की सम पर खाली होती है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा रूपक। इसका क्या हो जाएगा, रूपक ताल की सम पर क्या होती है मित्रों, खाली होती है। बोल इसका आंसर क्या है, सही है। हम लोग इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे, रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली मानी जाती है, क्योंकि उसकी पहली मात्रा का वर्ण ती है। अगला प्रश्न मित्रों कि परन किस वाद से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार बता चुके हैं कि परन किस वाद से संबंधित है, तो मित्रों प से परन और प से पखावज, बहुत बार आपको यह ट्रिक हम बताए हैं, प से परन और प से पखावज। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत में तबला आविष्कार के पहले पखावज वाद्य का प्रयोग होता था, जिसमें परन बजाई जाती थी। अगला प्रश्न मित्रों, बिना सारिका की बिना का नाम है, बिना सारिका की बिना का नाम है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं क्यों हुआ, इसका हम व्याख्या आपको बता देते हैं। इनमें से कोई नहीं है रुद्र बिना, तंजौर बिना, विचित्र बिना में सारिका होती है। मतलब रुद्र बिना, तंजौर बिना और विचित्र बिना में सारिका होती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि बिना सारिका के बिना का नाम क्या है, तो सब में तो सारिका है ही है। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न मित्रवार, पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, पंडित राम नारायण जो है मित्रों आपको सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सारंगी के लिए। पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सारंगी एक तत्ववाद्य यंत्र है जिसे गज से बजाया जाता है। पूछ सकता है मित्रों कि सारंगी किस वाद्य के अंतर्गत आता है, तो तत्ववाद्य के अंतर्गत आता है। और सारंगी किससे बजाया जाता है, तो गज से बजाया जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे कि तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है। मतलब तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है या संगत सम्राट की उपाधि किन्हें मिला है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अहमद जॉन थिरुकुआ को। अहमद जॉन थिरुकुआ को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि तबले में संगत सम्राट की पदवी अहमद जॉन थिरुकुआ को प्राप्त है। आपने संगीत की शिक्षा मेरठ निवासी उस्ताद मुनीर खान से प्राप्त की थी। अर्थात पूछ सकता है उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ के गुरु कौन है, तो उस्ताद मुनीर खान, उस्ताद मुनीर खान। अगला प्रश्न मित्रों और आज का अंतिम प्रश्न है, कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम था? मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कंठे महाराज के शिष्य हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा किशन महाराज। क्या हो जाएगा? किशन महाराज। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, कंठे महाराज के शिष्य का नाम किशन महाराज था। किशन महाराज बनारस बाज बजाते थे। आपका जन्म, मतलब किशन महाराज का जो जन्म है, 3 सितंबर 1923 ईस्वी को कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। इसलिए इनको प्रत्येक वर्ष 3 सितंबर का जन्मदिन नहीं मना करके प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को भी कृष्ण अष्टमी मनाया जाता है, कृष्ण अष्टमी, उसी दिन जो है मित्रों इनका जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। इस प्रकार मित्रों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल मित्रों आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लें या वीडियो अपलोड करें तो तत्काल आपके पास चला जाए। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, चैनल को लाइक जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है कि आप स्टडी जब भी कीजिए तो ग्रुप में कीजिए, ठीक है? तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।